हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास शाह फ्रॉम काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रैक्टिस के एग्जांपल्स का सॉल्यूशंस बताने जा रहा हूँ, जिस प्रैक्टिस का मैंने डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में डाला था, ठीक है ना। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मैंने बताया था कल के क्लासेस में, बैक क्लासेस में, कि आप उस डिस्क्रिप्शन से अपनी प्रैक्टिस को मेंटेन कर सकते हो। तो चलिए, अगर आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपने बनाया है और आप अपने क्वेश्चंस को चेक करना चाह रहे हो, या अगर कोई इश्यूज है तो मैं उस चीज़ को आज सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा जो कल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला था, हमारे पास कुछ 6 एग्जाम्पल्स थे, क्लियर। उस 6 एग्जाम्पल्स को मैं बारीकी से पढ़ता हूँ और उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कि क्या था। तो कल वाले क्लासेस में था, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹3 लाख, मतलब 3 लाख रुपए से हमने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। फिर हमारा वहीं पे है फर्नीचर ₹1,50,000, मतलब मैंने 1,50,000 रुपए फर्नीचर से भी बिजनेस स्टार्ट किया, एंड मशीनरी 1,20,000 रुपया। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था, ये वीडियो या ये सवाल आपको तभी समझ में आएगा, पहला मैटर आप समझ जाओ कि ये वीडियो और ये जो क्वेश्चंस है ये तभी समझ में आएगा अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखते आ रहे हो। अदरवाइज अगर आपने आपको ये समझना है ये जर्नल एंट्रीज क्या है, तो आप मेरी शुरू से पूरी की पूरी वीडियो चेक करो, आपको कंप्लीटली समझ में शुरू हो जाएगा आना, ठीक है। सो अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। तो हमने कैसे स्टार्ट किया बिजनेस, फर्नीचर से स्टार्ट किया बिजनेस एंड मशीनरी से स्टार्ट किया बिजनेस, मशीनरी 1,20,000 रुपए से। तो मैंने कल के क्लासेस में बताया था कि कैश हमारा रियल अकाउंट्स है, मशीनरी हमारा रियल अकाउंट्स है, फर्नीचर हमारा रियल अकाउंट्स है। तो ये जो है तीनों हमारे बिजनेस में आ रहा है, आने वाला डेबिट, मतलब कैश आ रहा है तो कैश डेबिट, फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर डेबिट, मशीनरी आ रहा है तो मशीनरी डेबिट। और हम लोग अपने बिजनेस में दे क्या रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं कैपिटल। ये तीनों मिल के बन रहा है हमारा पूंजी, जो एक वर्ड होता है ये हिडन वर्ड्स है, ठीक है ना। तो इसकी एंट्रीज बहुत ही कॉमन होगी, आप इसकी एंट्रीज कुछ इस तरह से कर सकते हो, कैश अकाउंट डेबिट, दूसरा था आपका फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये भी हमारे बिजनेस में आ रहा है। फिर था हमारा मशीनरी अकाउंट डेबिट। अगर आप जिस भी चीज से बिजनेस स्टार्ट करते हो वो टोटल को आप डेबिट कर दो, एंड लास्ट में आप कैपिटल को क्रेडिट कर दो, मतलब टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल का मतलब ही होता है कि क्रेडिट आपने कर दिया है कैपिटल को। तो आप देख लो कैश के सामने कितना अमाउंट है, तो कैश हमने 3 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, तो कैश के सामने 3 लाख। फिर हमारा फर्नीचर था 1,50,000, क्लियर। तो हो गया यहाँ पे हमारा 1,50,000, एंड 1,20,000 जो था हमारा वो था मशीनरी। अब इस तीनों को जोड़ के आप लिख दो, तो ये कितना हो रहा है आप देख लो, ये हो रहा है 0,0,0,0,7 and 5, क्लियर। तो 5,70,000 हमारा टोटल जो हो रहा है कि ये हमारी एंट्रीज मेंटेन होगी, मतलब टोटल कैपिटल हम लोग बिजनेस में कितना ला रहे हैं, 5,70,000। और ये कैपिटल के अंडर क्या क्या है, कैश है, फर्नीचर है एंड मशीनरी है, क्लियर। इसकी अगर आप नरेशन लिखना चाहते हो तो आप यहां लिख सकते हो बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश फर्नीचर एंड मशीनरी, मतलब बिजनेस स्टार्ट किया गया फर्नीचर कैश और मशीनरी से। तो ये हमारी पहली एंट्रीज जनरेट हो गई, ठीक है। चलिए अब हम लोग नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, आप इसको ऐसा करो, आप पहले नोट कर लो, ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लो कंप्लीटली, ठीक है। ओपन अ सिंडिकेट बैंक अकाउंट, चलिए चलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्ट पे। ओपन अ सिंडिकेट बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग ₹30,000, कि मतलब हम लोग सिंडिकेट बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं, कितना रुपए जमा करके, लगभग 30,000 रुपए जमा करके। तो 30,000 रुपए जमा करके हम लोग सिंडिकेट बैंक में एक अकाउंट खुलवा रहे हैं। तो जस्ट मैंने बताया था कि आपको, आप नॉर्मली ये चेक करो कि ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है। तो ट्रांजेक्शन हो रहा है, सिंडिकेट बैंक में पैसा जा रहा है, कैश मतलब जा रहा है, तो कैश जाना मतलब
क्रेडिट एंड सिंडिकेट बैंक पा रहा है। तो सिंपल सी एंट्रीज इसकी हो जाएगी, सिंडिकेट बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आप इसकी एंट्री कुछ इस तरह से करोगे। दूसरी वाली सिंडिकेट बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्लियर। तो बीइंग यहां लिख सकते हो बीइंग कैश डिपोजिटेड इन इंटू सिंडिकेट बैंक, पैसा जमा किया गया सिंडिकेट बैंक में 30,000 डेबिट में, 30,000 क्रेडिट में, क्लियर। नेक्स्ट है नंबर तीन वाली इंट्रीज, चेक करते हैं वो क्या है हमारा। तो है हमारा परचेज गुड्स ऑफ आरएस 50,000, ठीक है, परचेज गुड्स ऑफ आरएस 50,000 ऑन कैश, मतलब हमने सामान परचेज किया है 50,000 रुपए का, क्लियर। 50,000 का सामान परचेज किया है जिसमें ऑन कैश 20,000 एंड रेस्ट ऑन क्रेडिट, मतलब 50,000 का हमने सामान परचेज किया। चलिए इसकी एंट्रीज मैं ऊपर बनाता हूं, ठीक है, सो आपको समझ में आएगा। तीन नंबर के एंट्रीज मैं इसे मिटा देता हूं। ठीक है, तो हमारा जो तीसरा सवाल है हमारा कि हम लोग 50,000 रुपए का सामान खरीद रहे हैं जिसमें से 20,000 रुपए हम लोग नकद दे रहे हैं, ठीक है, और रेस्ट पैसा, रेस्ट का मतलब क्या हो गया, रेस्ट अमाउंट का मतलब हो गया 30,000 रुपए, 30,000 रुपए हम लोग उधार रख रहे हैं और ये सामान खरीद रहे हैं हम लोग देव स्टोर से, ठीक है, मतलब हमें अगर नेक्स्ट टाइम पैसा देना है तो किनको देना है, देव स्टोर को देना है। तो सिंपल एड्रेस, सामान हम लोग खरीद रहे हैं, सामान का नाम हमें नहीं पता है, कौन सा हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं, ठीक है ना, कौन सा हमारे पास स्टॉक आ रहा है तो हमें ये नहीं पता है। तो आप उस स्थिति में क्या करो, जब स्टॉक्स मेंटेन हो तो आप परचेस कर रहे हो तो परचेस और सेल्स की जगह पे सेल्स लिखो। तो परचेस के थ्रू हमारे पास सामान आ रहा है, स्टॉक आ रहा है, तो आप यहां पे एंट्रीज करो परचेज अकाउंट डेबिट। तो पहले आप फिक्स कर लो आपके पास कितने का सामान आ रहा है। तो आपके पास सामान आ रहा है कितने का, 50,000 का। उसके बाद आपका पैसा कितना जा रहा है, तो जाने वाला क्रेडिट, तो पैसा क्रेडिट, तो टू कैश अकाउंट। आप देखो आपका पैसा कितना जा रहा है, तो मेरा पैसा जा रहा है मात्र 20,000 जा रहा है, तो क्रेडिट में 20,000, क्लियर। और बोला जा रहा है कि रेस्ट जो है वो क्रेडिट रहेगा, क्रेडिट का मतलब होता है उधार, और किनको, किनके पास उधार रहा, देव स्टोर के पास। तो अब आपका क्या मतलब लायबिलिटीज बनता है कि 30,000 रुपया आप याद रखो कि आपको देव स्टोर को देना है। तो आप यहां पे टू देव मतलब उसका नाम मतलब याद रखना होगा, अगर आप क्रेडिट करना चाह रहे हो, ठीक है, वो उधार दे रहा है आपको, तो उसको आपको याद रखना होगा उस दुकानदार को कि मेरा पैसा उनके पास बाकी है, तो आप उनके नाम की एंट्री करके यहां पे सेट कर दो। तो रेस्ट पैसे का मतलब हो गया 30,000 रुपया का सामान जो है अभी उधार है, तो किसके पास उधार है, तो देव स्टोर, क्लियर, टू देव स्टोर अकाउंट। बस इसकी छोटी सी आप नरेशन लिखना चाहते हो आप लिख दो, बीइंग परचेज गुड्स ऑन कैश समथिंग आप लिख दो 20,000 एंड क्रेडिट आरएस 30,000। सवाल हमारा तीसरा भी जनरेट हो गया, क्लियर। आप इसे वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट एंट्रीज की ओर चलते हैं। सो नेक्स्ट एंट्री है विदड्रॉ कैश फ्रॉम सिंडिकेट बैंक ऑफ आरएस 12,000 रुपया, 12,000 हम लोग सिंडिकेट बैंक से, यहां जो हम लोग 30,000 जमा किए थे सेकेंड वाली इंट्रीज में, अब इस बैंक से हम लोग पैसा निकाल रहे हैं। तो जमा कर रहे थे तो सिंडिकेट बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश चूंकि जा रहा था अब कैश आ रहा है और ये दे रहे हैं, सिंपल मैटर, उल्टा दो आप इंट्रीज को, कॉमन सा वर्क है।
तो अगर हम लोग नंबर फोर जो एंट्रीज है, नंबर फोर नंबर की एंट्रीज अगर उसको करते हैं हम लोग, तो इसकी एंट्री कुछ इस तरह से करेंगे। नंबर फोर की एंट्रीज हम लोग पैसा निकाल रहे हैं, तो पैसा हमारे पास आ रहा है ना, तो आने वाला डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सिंडिकेट बैंक हमें दे रहा है, तो सिंडिकेट बैंक अकाउंट, ठीक है, तो टू में हो गया, तो मतलब क्रेडिट हो गया। हम लोग कितना पैसा निकाल रहे हैं, 12,000। हमें सिंडिकेट बैंक कितना दे रहा है, 12,000। बस आप यहां लिख दो बीइंग विथड्रॉ कैश फ्रॉम सिंडिकेट बैंक, ठीक है। तो ये हमारी फोर नंबर की एंट्रीज भी जनरेट हो गई। आप वीडियो को पॉज करके इस एंट्रीज को नोट कर सकते हो। ओके, सो चलिए चलते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट एंट्रीज की ओर। नेक्स्ट एंट्रीज है हमारी सोल्ड गुड्स, सामान बेचा 15,000 का, 15,000 का सामान बेचा गया, ठीक है, लेकिन बाय रिसीविंग सिंडिकेट बैंक चेक, लेकिन उसके बदले में हमें क्या रिसीव हुआ, कैश ना रिसीव होके एक चेक रिसीव हुआ सिंडिकेट बैंक का 15,000 का। तो लगभग वही सेम चीज हुआ कि आपको जहां पे पैसा आना था उसने आपको चेक दे दिया कि भाई आप ये चेक ले लो, आप अपने अकाउंट में जमा कर लो। तो चेक का भी मतलब वही होता है, तो आप चेक के जरिए पैसा रिसीव किए किन से, ये तो नाम नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ पे है कि सामान बेचने के क्रम में मुझे टोटल 15,000 रिसीव हो रहा है, क्लियर। तो अब इसकी एंट्रीज किस तरह से होगी, तो नंबर पांच, इस तरह की एंट्रीज करने के लिए आप सबसे पहले फाइंड आउट करो आपके पास क्या आ रहा है क्या जा रहा है। तो पहला मैटर है नंबर फाइव में कि सोल्ड गुड्स, तो जब सामान बेच रहे हैं तो मेरा सामान जा रहा है और मेरे पास चेक आ रहा है, क्लियर मैटर है, कैश एट बैंक कैश इन हैंड रियल अकाउंट, तो आपके पास चेक आ रहा है आने वाले डेबिट, तो किस बैंक का चेक आ रहा है। तो आप यहां पे ना लोग क्या करते हैं गलती, चेक अकाउंट डेबिट कर देते हैं, ठीक है। आपको चेक नहीं लिखना है, आपको लिखना है चेक के जगह पे बैंक लिखना है जिस बैंक का आपके पास चेक रिसीव हो रहा है। आप यहां पे लिखो सिंडिकेट बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब चेक को हम लोग बैंक के रूप में लिखते हैं और मेरा क्या हो रहा है, सामान जा रहा है, कितने का, 15,000 का सामान हमारा जा रहा है। तो किसके जरिए जा रहा है, बेचने के जरिए जा रहा है, सामान का नाम नहीं पता है, तो जहां पे सामान का नाम लिखा था वहां पे हम लोग सेल्स लिख देते हैं, तो टू सेल्स अकाउंट। ऐसे भी ज्यादा केसेस में सेल्स जो है वो क्रेडिट होता है और परचेज ज्यादा केसेस में डेबिट होता है। कुछ कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे परचेज को हम लोग क्रेडिट करते हैं, ठीक है, और सेल्स को डेबिट करते हैं, तो कुछ कुछ ऐसा केसेस होता है, वो केसेस को भी मैं यहाँ पे रखूंगा, बट आप माइंड में बैठा लो कि ज्यादा केसेस में सेल्स क्रेडिट होता है और परचेस डेबिट होता है। तो सामान हमारा जा रहा है तो जाने वाला क्रेडिट, चेक आ रहा है तो आने वाला डेबिट, सिंपल मैटर में आप समझ लो इसको। तो कितने कितने थाउजेंड का चेक आ रहा है, 15,000 का हमें चेक आ रहा है और 15,000 का हम लोग गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, क्लियर। नाउ आप इसका छोटा सा नैरेशन लिख दो, बीइंग सोल्ड गुड्स बाय सिंडिकेट बैंक चेक एंड नंबर, चेक नंबर जो भी आपका है वो आप लिख दो, इससे क्या होगा आपके पास टोटल चीज क्लियर रहेगा, समझ क्या मैटर। आप इस वीडियो इसको भी आप पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट एंट्रीज की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग, एंड लास्ट एंट्रीज है हमारी नंबर सिक्स। तो नंबर सिक्स की जो एंट्रीज है, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर दिनेश मिश्रा ऑफ आर एस 18,000 ऑन क्रेडिट, मतलब दिनेश मिश्रा को सामान बेचा गया, कंप्लीटली उधार में बेचा गया। मतलब एक एग्जाम्पल्स में ये रखो कि अगर आप दुकान चला रहे हो और कोई आता है आपके पास कि मुझे 18,000 का सामान चाहिए, माल चाहिए,
कोई भी सामग्री चाहिए, तो आप उसको वो बोलता है कि भाई अभी पैसा तो नहीं दूंगा, तो मतलब उधार वाली बात हो रही है। आपका एक अच्छा रिलेशन है तो आप उसको दे रहे हो कि चले ठीक है। तो 18,000 का अगर इस स्थिति का इंक्रीज हो कि आप किसी को उधार सामान बेच रहे हो, उधार माल बेच रहे हो, तो आप कैसे मेंटेन करोगे उसको? तो सिंपली देखो, आपके पास कुछ आ नहीं रहा है इस समय, लेकिन आपका सामान तो जा रहा है, 18,000 का गुड्स तो जा रहा है, तो जा रहा है आपका किसके जरिए? सेलिंग के जरिए। तो जाने वाला क्रेडिट, आने वाला डेबिट, आ क्या रहा है? कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन आएगा तो किससे आएगा? नेक्स्ट टाइम दिनेश मिश्रा से। क्लियर मैटर है, जो दिनेश मिश्रा है इन्हीं से हमें 18,000 रुपीज आना है। तो उसका नाम, जहां पे पैसे की एंट्रीज होगी वहां पे हम लोग नाम की एंट्रीज कर देंगे। क्लियर? तो आप इसकी एंट्रीज कुछ इस तरह से कर सकते हो। पहला तो मैटर बैठा लो, मैंने बताया जस्ट कि ज्यादातर केसेस में सेल्स जो होता है वो क्रेडिट होता है, तो टू सेल्स अकाउंट। यहां पे मेरा अगर पैसा होता 18,000 रुपए, वो पैसा देता तो हम लोग यहां पे करते कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन अभी वो पैसा नहीं दे रहा है, उधार में वर्क है, ठीक है ना? तो आप यहां पे क्या करो, यहां पे एंट्रीज करो आप मिस्टर दिनेश मिश्राज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर? बस अब यहां पे 18,000। क्लियर? अब यहां पे नरेशन एक छोटा सा लिख दो, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू दिनेश मिश्रा। क्लियर? तो इस तरह से आप इसको जनरेट कर सकते हो। लास्ट में जितनी भी आप एंट्रीज बनाए हो सबको नीचे जोड़ के ग्रैंड टोटल मेंटेन कर दो। यहां लिख दो ग्रैंड टोटल और सारे जर्नल की डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट को जोड़ के आप यहां पे लिख दो। क्लियर? तो इस तरह से आपकी जो ये प्रैक्टिसिंग एग्जाम्पल्स था ये आपका बना। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको समझ में आया, अगर किसी प्रकार का कोई इश्यूज जनरेट हो रहा है, सवाल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जनरेट हो रहा है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शंस में आके कमेंट कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए, हम लोग कंप्लीटली ट्राई करेंगे इससे रिलेटेड आपको सॉल्व करने का। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।